Welcome back everyone to our YouTube channel Fitness Journey. Kaise ho aap log, my fitness journey army? I hope you all are doing great guys. So transform before 2021 challenge hum log final week mein aa gaya hai, matlab hamara week 3 chal raha hai ab. Humne already 2 weeks complete kar liya hai jisse bahut logo ko amazing results mila hai. So first of all congratulations to them ki unke hard work aur unke consistency ki wajah se unhe itne acche acche results mil rahe hain. जब मैंने एक हैक्स वाला वीडियो बनाया जिसको फॉलो करके आपने अपना वेट लॉस और भी ज़्यादा फास्ट कर लिया है, जिसके वजह से बहुत लोगों ने अभी तक 5 किलो वेट लॉस कर लिया, 3 किलो वेट लॉस कर लिया, 4 किलो तक वेट लॉस किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. हम लोग फाइनल वीक में, हमारा वीक 3 चल रहा है. हम आज का जो फाइनल वर्कआउट है गाइज, वो आपको 31 दिसंबर तक फॉलो करना है एंड उससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट, वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा. आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. हमारा लास्ट वीडियो है इस वीक का, हमारा लास्ट वर्कआउट वीडियो है जो आपको फॉलो करना है इस वीक 31 दिसंबर तक एंड इससे अमेजिंग रिजल्ट लेके आना है. तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते अपने वर्कआउट की ओर. उससे पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्द से वहाँ मुझे फॉलो कर लो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि हर एक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम से मिलते रहे. एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए. अगर अब भी आप ये चैनल एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. ये 3 वीक्स का चैलेंज है तो आपको 3 वीक तक फॉलो करना है एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट लाना है. तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम लोग टोटल 6 वर्कआउट करने वाले, 6 अमेजिंग इंटेंस वर्कआउट जिसकी वजह से आपको ठंड में भी अच्छे खासे पसीना छूट जाना है, आई गारंटी यू फॉर दैट गाइज. तो चलिए फिर वर्कआउट शुरू करते हैं. उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग अच्छे से कर लेना है, 5 मिनट स्ट्रेचिंग ज़रूर कर ले ताकि आपका हर एक मसल एक्टिव हो जाए ना, आप रेडी हो जाओ वर्कआउट के लिए. तो चलिए फिर अपने पहले वर्कआउट से शुरू करते हैं. पहला वर्कआउट है गाइस जंपिंग जैक्स. इसके बाद आपका हार्ट रेट हाई हो जाएगा ना, बिल्कुल ही रेडी हो चुके होंगे अपने वर्कआउट के लिए. तो हमारा पहला वर्कआउट है जंपिंग जैक्स. इसके आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं 100 टाइम्स. तो चलिए कर लेते हैं. इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेट पोजिशन में खड़े हो जाना है लाइक दिस, और आपके पूरे बॉडी को उछालते हुए जंप करना है लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. पूरे हाथ को खोलना है, जितना हाई जंप करोगे उतना अच्छा है. एक्सेल करना है, इन्हेल, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है गाइज. ये बहुत अच्छा वर्कआउट है एंड एज अ बेस्ट स्टार्टर इसको माना जाता है. कोई भी वर्कआउट शुरू करते हो तो आप जंपिंग जैक्स से स्टार्ट जरूर कर सकते हो. तो दिस इज़ द राइट वे टू परफॉर्म जंपिंग जैक्स. इसका आपको टोटल 3 सेट्स करना है 100 टाइम्स. तो चलिए कर लेते हैं अब अपना नेक्स्ट वर्कआउट. तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है सुमो स्क्वाट. तो चलिए सीख लेते हैं इसका राइट वे टू डू इट. उसमें आपको क्या करना है, जब हम लोग नॉर्मल स्क्वाट करते हैं तो अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड अपार्ट रखते हैं अपने पैर की पोजीशन को. इसमें आपको पैर का पोजीशन थोड़ा सा और वाइड अपार्ट रखना है लाइक दिस. आपका ये कुछ इस तरह से होगा. आपको वेट ले लेना है. आप 3 से 5 किलो का डंबल ले सकते हो या तो फिर बॉटल ले सकते हो. मैं बॉटल थोड़ा सा खाली है लेकिन मैं आपको बस राइट वे बता रही हूँ जिससे आपको कैसे परफॉर्म करना है ये समझ में आ जाए एंड आप सही तरीके से उसको परफॉर्म कर पाओ. तो हम एक वेट ले लेंगे 3 से 5 किलो का डंबल, और फिर आपका लेग का पोजीशन इस तरह से होगा और आपका शोल्डर चेस्ट अप रहेगा, बैक आर्क बनेगा और हम लोग स्लोली नीचे जाएंगे. इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, आपको अपने इनर थाई में पता चल रहा होगा प्रेशर. 5 गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर धीरे से ऊपर आएंगे. चेस्ट अप रहेगा, नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऊपर आएंगे. फिर चेस्ट अप रहना है, बैक आर्क बनाना है, नीचे जाना है, होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऊपर आना है. इसी तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे गाइस सुमो स्क्वाट्स. इसका आपको टोटल 3 सेट्स करना है, 20-20 का रेप लगाना है.
तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। तो चलिए कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है पुशअप। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर पुशअप नहीं मार सकते, वो यहाँ पर इंक्लाइन पुशअप जरूर मार सकते हैं गाइस। तो चलिए सीख लेते हैं उसका राइट वे टू डू इट। हमें इंक्लाइन पुशअप में क्या होगा, आप कोई भी चेयर या टेबल ले सकते हैं या फिर बेड के कॉर्नर में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपका बस चेस्ट के अपोजिट आपका हाथ रहेगा, आपको ये दो बित्ता नाप लेना है और चेस्ट के अपोजिट अपना हाथ रखना है। पैर का पोजिशन कुछ इस तरह से होगा, एकदम सटा के रखना है और फिर आपको पूरा नीचे जाना है, होल्ड करना है, ऊपर आना है। नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, ऊपर आएंगे। इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। इसका टोटल 3 सेट्स लगाना है, 10-10 का रेप मारना है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है फ्लोर टैप। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मैट चाहिए जैसे कि बिछा हुआ है, और चलिए सीखते हैं इसका राइट वे टू डू इट। इसके लिए आपको मैट के इस कोने में आना है, नीचे बेंड करके फ्लोर टैप करना है, फिर जंप करना है, फिर इधर फ्लोर टैप करना है, फिर इधर जंप करेंगे फ्लोर टैप करेंगे, इधर जंप करेंगे फ्लोर टैप करेंगे। तो चलिए 3-4 बार इसको करके देख लेते हैं। एक बार इधर आना है, ये आपका 1 होगा, फिर जंप करके ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसको जंप करके परफॉर्म करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर नॉर्मल नहीं कर पा रहे तो सिंपली आप ऐसे भी करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना जंप करेंगे उतने ही ज़्यादा कैलोरी आपको बर्न होगा। तो दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। इसका आपको टोटल 3 सेट्स करना है, 30-30 का रेप लगाना है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। उसके लिए आपको 2 इक्विपमेंट चाहिए, तो मैंने अपना 2 इक्विपमेंट्स ले लिया है। आपको पत्थर नहीं लेना है गाइज, आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आपको 2 चीज़ ले लेना है। बस आपको इसको मार्क करने के लिए ये चीज़ यूज़ करना है। आप इसको छत पे भी परफॉर्म कर सकते हो या फिर अपने घर के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको 2 इक्विपमेंट्स ले लेना है और आपको एक साइड पर जाके रख देना है, जैसे मैं बॉटल वहाँ पर रख दे रही हूँ मार्जिन के लिए कि मुझे यहाँ तक आना है, और फिर ये जो पत्थर है ये मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ इसके जस्ट अपोजिट। मुझे पता चल गया मेरा डिस्टेंस इतना का है, मुझे दौड़ के वहाँ जाना है, उसको टच करना है, फिर दौड़ के यहाँ आना है और इसको टच करना है, और इसी को मुझे परफॉर्म करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ 2-3 बार, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपको इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो हम लोग को दौड़ के जाना है लाइक दिस, इसको टच करना है और फिर दौड़ के आना है, पत्थर को टच करना है। जितना फास्ट दौड़ सकते हो उतना फास्ट दौड़ो, दौड़ के आना है, इसको टच करना है। ये आपका 1 हुआ, ये टच किए, फिर वापस जब जाके इसको टच किए ये आपका 2 हुआ, फिर वापस आएंगे इसको टच करेंगे, फिर वापस आएंगे ये आपका 3 हुआ। ऐसे ही आपको इसको परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स करना है, 30-30 टाइम्स। तो ये था हमारा ये वर्कआउट। अब कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जिसका नाम है स्टैंड अप क्रंचेस। तो चलिए सीखते हैं इसका राइट वे टू डू इट। उसके लिए आपको क्या करना है, मैट में बैठ जाना है लाइक दिस, इस पोजीशन में आपको एक बॉटल ले लेना है लाइक दिस, पूरा आपको नीचे जाना है, अपने कोर को इंगेज करना है, मतलब इनहेल करना है, पेट अंदर सक करना है और फिर एक्सहेल करना है, फिर पूरा आपको उठ जाना है, फिर नीचे जाएंगे, लेटेंगे, इनहेल, एक्सहेल, स्टैंड अप, नीचे जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, स्टैंड अप, नीचे जाना है, इनहेल, एक्सहेल, स्टैंड अप। ऐसे ही इसको आपको परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स करना है, 20-20 का रेप लगाना है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट में हम लोग क्या करना है, आप लोगों को मैट में इस तरीके से लेट जाना है लाइक दिस। आपका हाथ का पोजीशन कुछ ऊपर यहाँ पर रख सकते हो आप। आपको पैर को अप करना है, होल्ड करेंगे, आगे खींचना है, फिर पीछे जाना है, होल्ड करना है, फिर आगे लाना है। ये 1 होगा, पीछे जाएंगे, फिर ये 2 होगा, फिर पीछे जाना है, होल्ड करना है, फिर ये 3 होगा, फिर पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर ये 4 होगा। ऐसे ही करके आपको इसको परफॉर्म करना है। टोटल 3 सेट्स करना है, 20-20 का रेप लगाना है। तो चलिए अब कर लेते हैं लास्ट वर्कआउट ऑफ द वीडियो जो कि है प्लैंक, और सीखते हैं उसका राइट वे टू डू इट। इसका राइट वे मैंने बहुत बार बताया आपको, लेकिन फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। आपको इस पोजीशन में आना है लाइक दिस, आपका बम को ऊपर करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे, एग्जैक्ट इस पोजीशन में होगा। आपको ये पोजीशन को होल्ड करके रखना है टोटल 1 मिनट तक। अगर आप 1 मिनट तक होल्ड नहीं कर पा रहे
पड़े तो 45 सेकेंड का हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, और फिर रोज़ रोज़ उसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे आपको क्या होगा, आपको कोर को इंगेज करना है, अपना जो पेट है उसको आपको पूरा टाइट करके रखना है। एकदम जितना टाइट करोगे उतना अच्छा आपका कोर इंगेज होगा एंड आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको ऐसे ही इसको होल्ड करके रखना है। टोटल इसके आपको 3 सेट्स करना है, 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। तो ये था हमारा फुल सेट ऑफ वर्कआउट जो आपको वीक 3 में फॉलो करना है 31 दिसंबर तक, एंड खुद का आप एक ट्रांसफॉर्म वर्जन देखोगे 2021 में। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम से मिलते रहे। एंड आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि डबल चिन फेस पैड पर वीडियो लेके आओ, तो ऑलरेडी मेरे चैनल में मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 4 अमेजिंग एक्सरसाइज बताया जिसको आप फॉलो करके 1 वीक में अपना डबल चिन कम कर सकते हो। तो वो वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, एंड फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।